नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस पर लाल किले में हुई हिंसा के लिए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम ने सीधे तौर पर अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि लाल किले में घुसे प्रदर्शनकारी बीजेपी के एजेंट थे, इसके लिए अमित शाह जिम्मेदार है, इसलिए कांग्रेस ने उनके इस्तीफे की मांग की है। प्रकाश जावड़ेकर के जरिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराने की बात पर चिदंबरम ने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। The incidents of Red Fort were instigated by sections close to the BJP, and that any government with even a rusty intelligence machinery should have known that something like this will happen. But the fact that they allowed tractors to enter the Red Fort complex and the police stood by while no more than 500 so-called farmers, protesters, climbed on the ramparts and raised the flag, shows that there was connivance between the government and the so-called protesters. So all this means that the buck stops at the Home Minister's table. The buck stops at the Home Minister's table. He should answer whether there was intelligence failure. He should conduct a probe into whether there was connivance between sections of the BJP or BJP supporters and the so-called protesters who entered Red Fort. The finger points to the Home Minister. That's what Kargeji pointed out. So a number of people have asked for his resignation. So has the Congress Party. बता दें कि प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कल दिल्ली में जिस तरह से हिंसा हुई उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। जिन्होंने उकसाया उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ, वो अपमान हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस ने लगातार उकसाने का काम किया। पंजाब में उनकी सरकार है, पंजाब सरकार ने पंजाब से निकलने वाले ट्रैक्टर पर पाबंदी नहीं लगाई। राहुल गांधी केवल समर्थन नहीं कर रहे थे, उकसा रहे थे। वहीं इसके बाद से कांग्रेस इस हिंसा के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और इसके गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहरा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।